गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन और प्रिंसिपल क्या है, मतलब जो हमारी अकाउंट्स बनती है पूरी वर्ल्ड में यूनिवर्सली एक लेवल की होती है, सभी को लगभग जैसे कानून और रूल फॉलो करने होते हैं, किसी के लिए कुछ अलग नहीं होता है। हाँ, कन्वेंशन होते हैं, कुछ प्रथाएं हैं जो सारे को मानना मैंडेटरी नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्लाई नहीं होता है, वो अपने अपने सिचुएशन और सिनारियो के हिसाब से यूज करते हैं, जिसमें कंजर्वेटिज्म, मॉर्टिलिटी और कंसिस्टेंसी आता है, तीन मेन कन्वेंशन कहलाते हैं, बट हमें उसे कॉन्सेप्ट मान के ही पढ़ते हैं। तो सभी बच्चों, आप सभी को रे कॉमर्स क्लासेस स्वागत है। जो बच्चे हमारे अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। बच्चों, तो आज हमें जो टॉपिक लेके आए हैं उसका लेक्चर नंबर 2 है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जिसमें हम पहला कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोरोना काल को लेके ऑफलाइन क्लासेस तो मिल नहीं रही है, स्कूलें भी बंद है, कोचिंग भी बंद है, तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ पहुँच सके और आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। इसके लिए हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें, वीडियो एंड तक एंड लास्ट तक देखें, हर कॉन्सेप्ट को समझे। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में एक दो मिनट वीडियो देखे फिर छोड़ दिए, तो ऐसे आपको पूरी नॉलेज नहीं हो पाएगी। और बुक तो सबके हाथों में, बुक तो खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता कि वो आपको जब तक समझिएगा नहीं, जब तक पूरा वीडियो देखिएगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि बिजनेस हैज ए सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाला जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब भी बिजनेस का कोई भी लेन देन, कोई एक्टिविटी जब रिकॉर्ड होता है बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड ओनर ट्रांजैक्शन इन हिज पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब बिजनेस जो है, बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस जो काम कर रही है उसके अलग एक्टिविटी होती है, उसकी अलग रिकॉर्डिंग होती है, और जो ओनर होता है, जो पर्सनली अपने ट्रांजेक्शन करता है, जो अपने लाइफ से रिलेटेड करता है, उसकी मतलब जो मेंटेन होती है, उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है, वो अलग बुक्स में होती है। लिख रहा है कि दिस कॉन्सेप्ट मीन्स दैट द इंटरप्राइज इज लाइबल टू द ओनर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये कॉन्सेप्ट कहता है इंटरप्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटरप्राइजेस के लिए जो ओनर होता है वो जस्ट लाइक लाइबल है, लाइबिलिटी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम पर। मतलब वो मान के चलता है, एक बिजनेस जो है ये मान के चलता है कि जो बिजनेसमैन है हमारा, जो हमारा ओनर है, वो जस्ट लाइक ए थर्ड पार्टी है। जैसे हम दूसरे से कर्ज लेते हैं, दूसरों से लोन लेते हैं, जैसे बैंक से लोन लिया, किसी से हमने उधार में माल परचेज किया, ठीक उसी प्रकार ये भी वही बंदा है जो हमें पैसा देता है बिजनेस करने के लिए। ऑल्सो कॉल्ड रिस्क कैपिटल, जिसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलिए या रिस्क कैपिटल। रिस्क कैपिटल इसे बोलते हैं कि रिस्क है, मान लीजिए बिजनेस को पैसा ओनर ने तो दे दिया, बिजनेस ओनर को जो थर्ड पार्टी मान रहा है, लेकिन बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है उसमें रिस्क है, प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं, बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, डूब भी सकता है, तीन कारण, इन्हीं सब कारणों से इन्हें रिस्क कैपिटल बोलते हैं। देयरफॉर ओनर हैज द क्लेम ऑन द प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी। और जो ओनर होता है उसका जो मेन क्लेम होता है, उसका जो हक होता है, वो उस बिजनेस के प्रॉफिट में होता है। रियल में बिजनेस उसी का है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बाइफरकेशन नहीं सीख पाएंगे कि ओनर एक अलग सेपरेट पार्ट है, सेपरेट पर्सन है, और बिजनेस हमारा सेपरेट पर्सन है, तो दिक्कत ये होगा कि आप हर वो ट्रांजैक्शन जो ओनर के लाइफ में हो रहा है, ओनर के घर से रिलेटेड हो रहा है, ओनर के पर्सनल मेंबर से रिलेटेड हो रहा है, उन ट्रांजैक्शन को भी आप बिजनेस में लेके आ जाएंगे और एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस पता नहीं कर पाएंगे कि रियल में बिजनेस में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए लगे एक बंदा है एक्स जो बिजनेस स्टार्ट करता है। He spends rupees 2000 to meet his family expenses. उसमें से 2000 रुपये अपने फैमिली के नाम पर खर्चा कर देता है फ्रॉम द बिजनेस फंड, बिजनेस के फंड से। देन इट शुड नॉट बी टेकन एज बिजनेस फंड, देन इट शुड नॉट बी टेकन एज बिजनेस एक्सपेंसेस एंड वुड बी चेंज द हिज कैपिटल अकाउंट। मतलब ये बिजनेस का फंड से निकाला, ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, ये रियल उनके पर्सनल एक्सपेंसेस है, लेकिन वो बिजनेस से निकाल रहे हैं। बिजनेस कहता है कि आपको हम थर्ड पार्टी मानते हैं, जिस प्रकार आप हमें कैपिटल देते हैं तो आप मेरे लिए लाइबल हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप जस्ट लाइक कर्जदार हैं, मतलब जैसे मैं दूसरे लोगों से मतलब बिजनेस में पैसा लेता हूं, दूसरे लोगों से उधार में माल खरीदता हूं, उन्हें हमें पैसा पे करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम भी आपको उसी तरह पैसा पे कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझिएगा, कैपिटल 1 लाख रुपए लगा जो रक्स कैपिटल है, उसमें से ड्रॉइंग्स बढ़ाते हैं, क्योंकि जब वो पर्सनल यूजर्स के लिए पैसा निकालते हैं उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, और उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, उनकी जो रक्स कैपिटल है उनमें कमी आ जाती है और वो कितना हो जाते हैं, 98,000 हो जाते हैं। इसे हमें समझने के लिए बच्चों क्या मिला, हमें रैली में ये समझने के लिए मिला कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो होते हैं आपस में रिलेट नहीं है। एग्जांपल दो, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का रियल मीनिंग क्या होता है, जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक राजा होता है और वो उसके कुछ बेटे पैदा होते हैं, फिर वो मर जाता है, फिर उनका बेटा राजा बनता है, फिर उनका बेटा राजा बनता है, फिर उनका बेटा राजा बनता है, इस तरह की प्रथा चलती है। यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसे हम हिंदी में सत्ता की अवधारणा बोलते हैं, ये वाली फंडा यहाँ अप्लाई नहीं है। जैसे मान लिया कि जमशेद जी टाटा ने टाटा बनाया, फिर वो नहीं रहे, टाटा चल रही है, उनको उस टाटा को मैनेज करने के लिए कोई भी चेयरमैन बन सकता है, जैसे भी रतन टाटा है, बीच में साइरस मिस्त्री आए थे, तो कुछ भी कोई भी बंदा आके उस पर्टिकुलर पद पर बैठ सकता है जो कंपनी को मैनेज करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं आपको कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि बिजनेस बिजनेसमैन दोनों सेपरेट है, अलग है, दोनों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो बंदा होता है वो बिजनेस को जिसलिए कैपिटल देता है, ठीक है। अब आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, नोट में है, ये बाबा है, इन्वेस्टेड कैपिटल, ये बुक कीपर है जो बिजनेस का सारे रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, वो बिजनेस के एंगल से काम करता है, ये बाबा की वाइफ है। मान लिया बाबा ने इन्वेस्ट किया कैपिटल, अब इसकी रिकॉर्डिंग कौन करेगा, बुक कीपर करेगा। मान लिया कल के डेट में बाबा ने पर्सनल एक्सपेंस के लिए जो ड्रॉइंग्स किया था अपनी वाइफ के लिए किया था, वाइफ के उन जरूरत को पूरा करने के लिए किया था, तो एक डायग्राम आपको देखने के बाद ये समझ में आ रहा होगा कि जो बुक कीपर है जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है वो सेपरेट है, और ये मान के काम करता है कि बाबा और बाबा की वाइफ का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। इनको और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम आपको कुछ पिक्चरें दिखाते हैं जिसपे आपको पता चलेगा। ये देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे बाबा है, 1 लाख रुपए एक बैग लिया हुआ है, वो अपना कैपिटल लगाना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और ये बाबा की वाइफ है और उसके बेटे हैं बुलबुल और चुलबुल, ठीक है। ये बाबा है और इनके वाइफ है बुलबुल और चुलबुल, जो भी बोलो ये, अभी इनके अकाउंटेंट है घनश्याम दास, ठीक है। ये सारे आपको दिख रहा है पिक्चर में, बाबा स्टेशनरी वाला लिखा हुआ है, ये बाबा स्टेशनरी वाला है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं ध्यान से, ये जो बाबा है वो 1 लाख रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अब वो 1 लाख रुपए जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा वो एज ए लाइबल होगा, बिजनेस की नजरों से देखा जाए तो बाबा जस्ट लाइक ए थर्ड पार्टी है, और अकाउंटेंट जो है जो यहाँ पर घनश्याम दास बैठा हुआ है, जो इस बिजनेस को कंप्लीट करेगा, बिजनेस में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, वो इस बात को लेकर रिकॉर्ड करेगा कि बिजनेस में होने वाली सारी एक्टिविटी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, और इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू में होना चाहिए, उसको बाबा से कोई लेना देना नहीं है, बाबा जिस लेके थर्ड पार्टी है। अगर आप अगली पिक्चर को देखेंगे तो आपको एक और नई सीनारियो देखने को मिलेगा, जिसमें ध्यान से देखिएगा, ये बाबा प्रोप्राइटर बन चुका है, 1 लाख रुपए कैपिटल के नाम पर लगा चुका है, सारी दुकानें ओपन हो चुकी है, यहाँ पर AP लिखा हुआ है, मतलब ये जो कैपिटल लगाया है बिजनेस में, बिजनेस वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, बाबा जो है वो तो ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, लेकिन बाबा बिजनेस को पैसा देता है और वो रियल में प्रोप्राइटर बन जाता है, ओनर बन जाता है, और जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट इस पैसे को लेगा और बिजनेस में एंट्री करता है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, और ये बाबा और बाबा स्टेशनरी वाला दो अलग अलग बंदे हैं, मतलब बिजनेस जो चल रहा है मार्केट में बाबा स्टेशनरी वाला के नाम से चल रहा है और बाबा एक रियल में प्रोप्राइटर है। तो बाबा किसको पैसा देता है, बाबा स्टेशनरी वाला को देता है, मतलब यूं आप समझ लेना कि बाबा एक अलग पर्सन है और बाबा स्टेशनरी वाला भी एक पर्सन है, भले वो बोल सकता नहीं, चल सकता नहीं, देख नहीं सकता, लेकिन वो अलग पर्सन है। और जब दो लोगों के बीच ट्रांजेक्शन होता है तो सीधी सी बात है, जब एक बंदा किसी कोई भी चीज किसी दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो सामने वाला बंदा उसे उधार समझता है, ठीक इसी प्रकार बिजनेस भी जब बाबा से पैसा लेता है तो उसे क्या मानता है, उधार मानता है। अब आप अगर अगली पिक्चर को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा, कब ये बाबा है और बाबा प्रोपराइटर बन चुका है, 1 लाख रुपए बिजनेस में दिया, और बिजनेस का जो घनश्याम दास अपना रिकॉर्डिंग कर रहा है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, और 1 लाख रुपए जो उन्होंने रिकॉर्ड किया अपने बिजनेस में उसे लाइबल दिखाया कि बिजनेस के लिए कर्जा है, क्योंकि बिजनेस जो है, बिजनेस का नाम क्या है, बाबा स्टेशनरी वाला, वो किसी और से पैसा लिया हुआ है, और यहाँ पर जो रियल प्रोपरेटर बाबा है उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जब भी इस बाबा को अपनी बच्ची और वाइफ के लिए कुछ जरूरत की चीजें पूरा करना होता है तो बिजनेस से पैसा निकालता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ड्रॉइंग्स का नाम देते हैं। तो बेसिकली बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण दो पर्टिकुलर वर्डिंग भी देखने को मिला, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, जो ये बताता है कि बाबा जो है वो अलग है और बाबा स्टेशनरी वाला अलग है। बाबा जो कोई भी एक्टिविटी करेगा उसे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड करेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग खुद करेगा, और बिजनेस से रिलेटेड जो रिकॉर्डिंग होगा, बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटी होगा वो बिजनेस के जो मतलब बुक कीपर है घनश्याम दास वो रिकॉर्ड करेंगे। तो
बिजनेस खुद को सेपरेट कर लेता है और बाबा खुद जो प्रोपराइटर खुद को सेपरेट कर लेता है। बाबा ये मान के चलता है कि बिजनेस को सिर्फ मैं पैसा दिया हूँ, जस्ट लाइक उधार, बाकी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं बिजनेस से कोई भी चीजें अपने पर्सनल लाइफ के लिए निकाला तो मेरे लिए ड्रॉइंग्स माना जाएगा। और ये जो बाबा का प्रोपराइटर है, जो कैपिटल है, ये इसे हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। अगर हम अगली पिक्चर दिखाना चाहें तो ये उसी से रिलेटेड पिक्चर है जहाँ पर सब चीजें क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक ओनर है और बगल में आप देख रहे होंगे लिखा होगा बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी, मतलब वो बंदा जो है वो बड़ी सी बिल्डिंग पर ऐसा हाथ रखा हुआ है और वहां तक के बताना चाह रहा है कि भाई मैं अलग हूँ, बिजनेस अलग है। क्या लिखा हुआ है? द पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस। मैंने ये बता रहा है कि जो भी पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटी था ओनर का, उसकी जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो बिजनेस बुक्स में नहीं होती। क्योंकि जब दो अलग अलग बंदे हो जाते हैं, तो जैसे एक बाबा था और एक बाबा स्टेशनरी वाला है, तो बाबा जो अलग बंदा है, बाबा स्टेशनरी वाला अलग बंदा है। अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो जो बाबा है ना वो अलग इंसान माना जाता है और बाबा स्टेशनरी अलग। जब दो अलग अलग लोग बनते हैं तो दोनों की जीने की तरीका अलग होगी, दोनों की कमाने की तरीका अलग होगी और दोनों का रहने का भी तरीका अलग होगा। इसलिए बाबा जो भी खर्चा करेगा अपने पर्सनल लाइफ में, जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटी होगा, उसको पर्सनल बुक्स में रिकॉर्ड होंगे, बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। इधर आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पर, कैपिटल इज ट्रेटेड एज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। मतलब ये कैपिटल जो होता है उसे बिजनेस में आने के बाद जो बिजनेस होता है उस ओनर का जो पैसा लगा उसे लाइबिलिटी ट्रेड करता है। वो ये मान के चलता है कि मेरे लिए ओनर कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक एक कर्जदार है, मेरे को बिजनेस करने के लिए पैसा दिया और मुझे कमा के उस पैसे को उनको रिफंड करना है। आगे लिख रहा है कि ड्राइंग इज ट्रेटेड एज रिडक्शन ऑफ द ओनर्स कैपिटल। अच्छा, जब भी कोई बंदा ड्राइंग्स करता है अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, तो उसकी जो पैसी लगी हुई ऑलरेडी मार्केट में बिजनेस में, बाबा का जैसे पैसा लगा हुआ था बाबा स्टेशनरी वाला, मेरा बाबा ने कुछ भी निजी खर्चों के लिए ड्राइंग्स कर लिया, तो उसकी कैपिटल कम हो जाती है, घट जाती है, एंड कॉन्सिक्वेंटली एन रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस की भी लाइबिलिटी धीरे धीरे घटती है, क्योंकि वो ऐसे भी कैपिटल को लाइबिलिटी ट्रीट किया था, और वो जितना भी पैसा विड्रॉ कर लेगा अपने पूंजी से उतनी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो बच्चों ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट था जो आपको ये समझने में हेल्प करता है सबसे पहले कि बिजनेस और बिजनेस चलाने वाला दोनों में फर्क होते हैं। जब भी आप कोई भी डेटा रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई भी फाइनेंशियल करेक्टर को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जर्नलाइज करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, समराइज करेंगे, वहां पर आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, आपको बिजनेस की तरफ से सोच के चलना है, आपको कभी भी पर्सनल इंसान ह्यूमन बींग की तरफ से सोच के नहीं चलना है। आपको ये मान के चलना है कि बिजनेस जो है उसकी एक अलग वैल्यू है, उसके लिए हमें रिकॉर्डिंग करनी है, हमें किसी भी पर्सनल इंसान की लाइफ से कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। तो ठीक है बच्चों, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट था, इसको हम यहाँ पर खत्म करते हैं। और जो लेक्चर नंबर 3 लेके आएंगे वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, फिर हम बात करेंगे आगे उस पर। तब तक के लिए बच्चों बाय, और उम्मीद करता हूँ आप घर में अच्छे से रहेंगे, पढ़ेंगे और ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे इस वीडियो के जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख देंगे, ताकि हम अगली बार आप उससे रिलेटेड वीडियो बना पाए। थैंक यू।